नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, शेयर के बारे में नहीं, LIC के बारे में बात करूंगा। LIC वैसे तो अपने निवेश के बारे में जाना जाता है कि वो कभी अपने नुकसान में शेयर्स को नहीं बेचते हैं, एंड LIC भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टर भी हैं, एंड इनको बड़ा नुकसान लगता हुआ दिख रहा है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। एक चीज पहले मैं क्लियर कर दूं, अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं शेयर बाजार में जो सोच रहे हैं कि हमें शेयर बाजार की नॉलेज नहीं है इसलिए हमने लॉस खा लिया, या कुछ सोच रहे हैं कि हमारी किस्मत ही खराब थी, अदानी ग्रुप ने बर्बाद कर दिया, तो यहां आपका कोई भी फॉल्ट नहीं है। अगर आपकी गलती है तो सिर्फ इतनी कि आपने अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करा। किसी ने भी अगर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक महीने से दो महीने, तीन महीने, चार महीने पहले निवेश करा तो वो डायरेक्टली नुकसान में ही आ गया है, और बड़े नुकसान में आ गया है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उससे हो रही है जिसकी पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाई या वेल मैनेज नहीं थी। अब किसी ने केवल अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में ही पैसा लगा रहा है तो डेफिनेटली उसको मतलब ऐसा लग रहा होगा कि शेयर बाजार से खराब जगह कोई है ही नहीं। इस तरीके की अनसर्टेनिटीज हमेशा बनी रहती हैं। अब आपका गलत फैसला है सिर्फ इतना कि आपने एक ही एंटिटी पे भरोसा करा, एक ही जगह पैसा लगाया। अगर आपने बराबर बराबर हर जगह लगाया हुआ तो शायद आपकी पूरी पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट ही खराब हुआ है, बाकी पोर्टफोलियो मार्केट के साथ डेफिनेटली थोड़ा डाउन होगी बट वो मार्केट के साथ रिकवर करेगी, पैसा बनाएगी और अदानी ग्रुप का लॉस भी रिकवर करेगी अगर आपकी वेल मैनेज्ड है तो। इसीलिए तो मैंने फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट के कोर्स में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को वीडियो को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डेफिनेटली एक वीडियो बनाई है, 5 वीडियोस का कोर्स है, आप डेफिनेटली जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो जिसने मैनेज करी ना उसने नुकसान नहीं करा। कहना मैं ये चाहता हूं कि मार्केट में इस तरीके की अनसर्टेनिटीज, इस तरीके की परेशानी जो आप लोग सोच नहीं सकते, हम लोग सोच नहीं सकते, शायद इवन मैनेजमेंट खुद नहीं सोच सकता, वो हमेशा बनी रहती है, तभी से शेयर बाजार कहते हैं। अब LIC जैसा बड़ा निवेशक नुकसान खा रहा है, मात खा रहा है, तो फिर आप और हम चीज क्या है। कहने वाली बात है कोई भी नुकसान कर सकता है इस तरीके, हम लोग तो एनालाइज कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद इस तरीके की चीज डेवलप हो जाए वो हमारे आपके हाथ में नहीं है। मैं आपको बता दूं 26 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अदानी ग्रुप पे, एंड उस समय LIC ने कहा था कि हमारा एक्सपोजर इस समय करंटली होल्डिंग्स जो है हमारी अदानी ग्रुप में वो 56,000 करोड़ की है, 56,000 करोड़ की हमारी इक्विटी है इस समय अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। किसमें कितनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एंड हमारी जो बाइंग है वो 33,000 की है, तो हम अभी बहुत अच्छे मुनाफे में है, ऐसा LIC ने कहा था। लेकिन दोस्तों आज यानी 26 से लेके आज ऑलमोस्ट 23 हो गई, तो एक महीना भी नहीं हुआ है और वो जो उन्होंने कमाया था वो सब खत्म साफ होता हुआ दिख रहा है, प्लस इनकी पोर्टफोलियो दिन के दौरान आज लाल निशान में भी हुई थी। यहां केवल एक ही चीज है जो अभी समझ में नहीं आ रही है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं LIC आज के सेशन में उनकी करंट पोर्टफोलियो जो है वो ऑलमोस्ट 32,000-33,000 करोड़ की ही रह गई है, वो जो 56,000 करोड़ तक चली गई थी, यानी कि उन्होंने जितना लगाया था उतना ही है, स्टेबल, उन्हें लॉस नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बट हाँ उन्होंने जो देखा था उससे काफी कम रह गया है उनका। एंड अब यहां से नुकसान भी हो सकता है, सिर्फ एक कंडीशन है कि उन्होंने अभी तक शेयर्स नहीं बेचे होंगे, तो अगर उन्होंने बीच में बेच दिए होंगे तो अभी हमारे पास डाटा तो आया नहीं है, वो डाटा आपके लिए अपडेट होगा क्वार्टरली, तो वो डाटा अपडेट होगा, अगर दिखेगा LIC ने अपनी स्टेक नहीं हटाई थी, नहीं छोड़ी, तो वो भी लॉस में आ गए हैं, अदरवाइज वो निकल गए हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अदानी ग्रुप को कहां कहां कितना अदानी ग्रुप ने कौन कौन से स्टॉक्स ने LIC को दिया है नुकसान। तो LIC सबसे बड़ा निवेश करके बैठा था अदानी पोर्ट्स में, जिसके काफी अच्छे फंडामेंटल्स हैं, लगभग 11,000 करोड़ का निवेश LIC का अदानी पोर्ट्स में था। अदानी एंटरप्राइजेस में लगभग 6,824 करोड़ का निवेश था। अदानी टोटल गैस में लगभग 5200 करोड़ का निवेश करा था। तो ये कुछ स्टॉक्स थे, प्लस मैं आपके साथ शेयर करूं अंबुजा सीमेंट 4,264, अदानी ट्रांसमिशन 3,051, एंड ACC लगभग 2,090 करोड़ का निवेश था। ये सारा निवेश आप टोटल करें तो लगभग ऑलमोस्ट 31,000-32,000 करोड़ के समथिंग पहुंचता है, जो कि करंटली दोबारा उसी लेवल पे आ गया है
एंड अगर यहां से और फर्दर गिरावट होती है और एलआईसी ने अभी तक बेचे नहीं है शेयर, तो वो भी लॉस में आएंगे। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। बट हाँ, एलआईसी को भी अदानी ग्रुप ने काफी बड़ा नुकसान दिया। इनफैक्ट अदानी ग्रुप ने तो खुद अपने प्रमोटर्स को ही काफी ज्यादा नुकसान दिया है, अपने कहीं ना कहीं चेयरमैन को ही, चेयरपर्सन को ही काफी ज्यादा बड़ा नुकसान दिया है। तो एक ये आपके साथ बस सीख वाली बात ये थी कि यहाँ सिर्फ आपका फॉल्ट इतना था कि आपने अपनी पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करी, अगर आपको अदानी ग्रुप की वजह से पूरा पैसा खाली करना पड़ा है तो। अगर मैनेज्ड है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, एवरेज करने की अभी राय नहीं होगी, जो है उसी में खुश रहें, बस ये कहूंगा। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।